मुंबई में अगले साल 20 से 28 जनवरी तक मुंबई फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा। यह 2024 में शुरू होने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम होगा, जिसका उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना और शहर को एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करना है। 9 दिवसीय फेस्टिवल में सभी समुदायों को एक साथ लाने के लिए सांस्कृतिक उत्सव, संगीत, नृत्य और सिनेमा कार्यक्रम, फूड फेस्टिवल शामिल होंगे। वहीं इस फेस्टिवल को लेकर आज पर्यटन मंत्री गिरीश महाजन और मुंबई फेस्टिवल सलाहकार समिति के अध्यक्ष आनंद महिंद्रा ने फेस्टिवल के लोगो और थीम गान का अनावरण किया। इसके साथ ही 21 जनवरी को मुंबई मैराथन की सुप्रसिद्ध दौड़ होगी। 20 जनवरी से 28 जनवरी 2024 तक चलने वाला 9 दिवसीय मुंबई फेस्टिवल एवरीवन इनवाइटेड थीम के साथ एकता की भावना को प्रतिबिंबित करेगा। मुंबई फेस्टिवल के विभिन्न कार्यक्रम गेटवे ऑफ इंडिया, काला घोड़ा, MMRDA, चुहू बीच और मुंबई के विभिन्न मॉल आदि में आयोजित किए जाएंगे। मुंबई फेस्टिवल जनवरी 20 से 28 तक 9 दिन में चलने वाला प्रोग्राम यहाँ पर है। हमारे मुंबई का संस्कृति, हमारा कल्चर, मतलब मुंबई यानी खाली गेटवे ऑफ इंडिया नहीं है, मुंबई यानी खाली गणपति उत्सव नहीं है। तो यहाँ पर बहुत सारी बातें, जो हेरिटेज बिल्डिंग यहाँ पर है जो देखते हैं, दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं, बड़े फैशन होटल है, इंटरनेशनल लेवल के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यहाँ है, मैदान यहाँ पर है, अच्छे हॉस्पिटल्स यहाँ पर है। तो इन बातों का परिचय पूरे भारत में हो, पूरे दुनिया में हो, इसके लिए हमारी ये कोशिश है। और इसलिए हमने ये बड़ा महोत्सव, एक बड़ा मेला मैं कहूँगा इसको, पर्यटन विभाग की तरफ से, DMC की तरफ से लिया गया है। इसके चेयरपर्सन कमेटी के आनंद महेंद्र जी है, बहुत अच्छी टीम हमारे साथ भी जुड़ी हुई है। मुझे लगता है एक अलग महोत्सव, ये बड़ा एक हिंदुस्तान में इसका नाम दिया जाएगा, पूरे दुनिया के लोग इसको देखेंगे, ऐसी हमारी कोशिश।